नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी वारदात सामने आई है। घर से चोरी कर बच्चे को नदी में फेंका। शिवनाथ नदी में मिला 6 माह के मासूम का शव। अपहरण का मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 माह के मासूम बच्चे को चोरी कर शिवनाथ नदी में फेंक दिया गया। शनिवार सुबह गोताखोरों की मदद से बच्चे का शव नदी से निकाला गया। इस घटना के बाद से लोग काफी डरे हुए हैं। दुर्ग पुलिस आरोपियों का पता लगाने में जुटी हुई है। सीएसपी दुर्ग वैभव बैंकर से मिली जानकारी के मुताबिक हिर्री निवासी दिलीप यादव का 6 माह का बच्चा नगपुरा से 31 मार्च की रात चोरी हो गया था। दिलीप ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी मालती यादव डिलीवरी के बाद से अपने मायके नगपुरा में थी। डिलीवरी के बाद वहीं रहकर इलाज करा रही थी। 31 मार्च की रात करीब 3 बजे मालती शौच के लिए उठी। उसने 6 माह के बच्चे सिद्धार्थ यादव को वहीं सुलाया और अपनी माँ मुन्नी बाई के साथ शौच के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से लौटकर देखा कि बिस्तर में उसका बच्चा नहीं है। मालती काफी घबरा गई। उसने बच्चे को आसपास खोजा, जब वो नहीं दिखा तो उसने अपनी माँ और भाई हीरेंद्र यादव को बताया। इसके बाद जब बच्चे का पता नहीं चला तो उन लोगों ने नगपुरा चौकी जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और मामले की जाँच शुरू की। इसके बाद शनिवार सुबह बच्चे का शव शिवनाथ नदी में मिला। 6 साल के मासूम के गायब होने पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है। दुर्ग एसपी ने इस मामले की जांच के लिए अलग से एक स्पेशल टीम बनाई है। ये टीम परिजनों और गांव में पूछताछ कर रही है कि मालती या उसके पति के परिवार और ससुराल में कैसे संबंध थे। एक मासूम बच्चे को कौन मारने की साजिश रच सकता है।